हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन 65 चिली। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन, उसी हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया 3 चम्मच सॉल्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ज़्यादा लेना है। उसके बाद 4 चम्मच कर्ड और इसे मिक्स कर लेना है, इसी प्रोसेस करना, बहुत टेस्टी लगेगा। इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है टर्मरिक 2 चम्मच, चिली पाउडर, आप जितना ले सके, जितना ज़्यादा लगे उतना अच्छा है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने गरम मसाला लिया है 2 चम्मच, बड़े चम्मच लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच लिया है और मैदा 2 चम्मच, ओके। और फिर इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद 2 अंडे लिया है मैंने, ये 1 किलो चिकन के हिसाब से है, ओके। देन इसे ढक के रख देती हूँ। उस बीच दूसरे गैस, एक बाउल में आपको 4 चम्मच लेना है कर्ड, उसके बाद वही उसी अमाउंट पे 4 चम्मच लेना है टोमेटो सॉस, आप चाहे तो चिली टोमेटो सॉस भी ले सकते हैं, ओके, कोई बात नहीं उसमें। देन टोमेटो सॉस के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच चिली सॉस, ओके, 2 चम्मच इसलिए क्योंकि मैं कम चिली खाती हूँ इसलिए। देन इसे मैं मिक्स करके रख देती हूँ। और अभी लेना है एक और बाउल, उसमें लेना है 1 कप वाटर, देन 2 चम्मच सोया सॉस एंड 1 चम्मच विनेगर, और इसमें 1-2 चम्मच आपको डालना है कॉर्नफ्लोर, ओके, और फूड कलर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चिकन को फ्राई करना शुरू कर दिया है, और देखो गोल्डन कलर हो चुका है, ये एकदम रेडी है। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली, ऑयल ले लिया, उसमें पहले से मैंने चॉप करके रखा था जिंजर गार्लिक एंड करी लीव्स, चिली एंड कैप्सिकम, ऑनियन, इन सबको फ्राई कर लिया अच्छे से। देन मैंने यहाँ पर और 1 कप वाटर लिया है, उसके बाद जो मैंने बाउल पर रखा था उन सबको डाल के इसे थोड़ी देर बॉईल कर लेना है आपको, फिर आपको आपका चिकन डाल लेना है इसमें, ओके। आप देख सकते हैं वीडियो पे प्रोसेस चल रहा है, मैं थोड़ी फास्ट चल रही हूँ। ये हो गया चिकन, उसे अच्छे से मिक्स कर लो, और थोड़ी देर उसके ऊपर मैंने डाला धनिया पत्ता। ये हो गया रेडी। तो आप भी इसे घर पे ट्राई करें, मुझे कमेंट करें कैसा लगा। ओके, बाय।